गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर क्लास सेकेंड फॉर मैथ्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर कंटिन्यूइंग अप आवर चैप्टर. चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे हम, तो इसे ही कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर नंबर 1 है आपका रिवीजन नंबर्स 1 to 100. चैप्टर नंबर 1 रिवीजन नंबर्स 1 to 100. रिवीजन नंबर्स 1 to 100. ओके, ये आपका चैप्टर नंबर है. इसमें हमने बुक पेज नंबर 7 ऑलरेडी कर लिया है. 7 के बाद हमारा पेज नंबर 8 भी हो गया है एंड 9 बिफोर आफ्टर. पेज नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. पेज नंबर 11 हमने कंप्लीट किया था लास्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पेज नंबर 12. सो टर्न योर पेज नंबर 12 इन योर बुक. अपनी बुक में पेज नंबर 12 ओपन कर लीजिए. देयर इज़ अ हेडिंग रिटन ऑन द टॉप ऑफ योर पेज, एडिशन. एडिशन, पेज नंबर 12, हैडिंग इज गिवन एडिशन. एडिशन हैडिंग दी हुई है. पेज नंबर 12 है आपका. चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर नंबर 1 का नेम है रिवीजन नंबर्स 1 to 100. आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐड करना नंबर्स को. ओके, एडिशन आपकी मेन हैडिंग है. नंबर्स ऐड करेंगे. नंबर 1 इज, पहले हम कॉलम्स ड्रॉ करते हैं. वंस कॉलम एंड टेंस कॉलम. ओ मीन्स वंस एंड टी मीन्स टेंस. ये हम टी और ओ जो लिखते हैं, इस ओ का मतलब होता है वंस और इस टी का मतलब होता है टेंस. यानी हमने दो कॉलम ड्रॉ किए हैं और उसमें हम नंबर्स को, डिजिट्स को प्रॉपरली लिखते हैं अलग अलग बॉक्स में. वंस कॉलम एंड टेंस कॉलम, इन्हें शॉर्ट में लिखते हैं ओ एंड टी. ओ फॉर वंस एंड टी फॉर टेंस. ओ वाले कॉलम में नंबर देखिए लिखा है 2 and 3 और टी वाले कॉलम में साइन ऑफ एडिशन लगा है. सिंपली 2 नंबर्स हैं, आपको इन्हें ऐड करना है. नेक्स्ट नंबर 2, टेंस एंड वंस. 3, 5 साइन ऑफ एडिशन प्लस, इस साइन को क्या कहते हैं, प्लस नंबर 3, टेंस एंड वंस. 4 plus 5 नंबर 4, टेंस एंड वंस. 2 plus 6 नेक्स्ट लाइन में देखिए नंबर 5, टेंस एंड वंस. 5 plus 6 टेंस एंड वंस. ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका. 7 plus 9 ओके. नंबर 7, टेंस एंड वंस. 9 plus 3 नंबर 8, टेंस एंड वंस. 8 plus 4 सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड पे नोट डाउन किए हैं. नाउ लुक एट द बोर्ड केयरफुली. वंस वाले कॉलम में 2 नंबर्स हैं. ओके, 2 and 3. सिंपली लाइंस पर हम एडिशन करना सीख चुके हैं और हमने कैसे सीखा था, फिंगर्स की काउंटिंग करके नंबर्स को ऐड करना. सो 2 plus 3 हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं टोटल, वी हैव 10 फिंगर्स इन आर हैंड. ओके, पहले हमें क्या करना है, 2 फिंगर्स लेनी है, 2, एंड ऐड कितनी करनी है, 3 मोर. ओके, 2 के बाद 1, 2 काउंट करते हैं. 1, 2 1, 2 and 3 फिंगर्स हमने और ले ली, यानी कि हमने ली 1
एंड टू, वन टू में कितनी और ऐड करनी है, वन टू एंड थ्री, यानी टोटल फाइव हो गई। आंसर है आपका फाइव। ओके, एक और ट्रिक है आपकी, इसमें नंबर्स में क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करके आप एडिशन कर सकते हो। तो आप यहाँ पहले टू लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, वन एंड टू। ओके, प्लस कितनी और करनी है, थ्री, वन टू थ्री। अब आप टोटल लाइंस काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इज योर आंसर। नाउ थ्री में फाइव प्लस करना है, यानी कि थ्री वंस हैं और फाइव वंस हैं, तो थ्री वंस प्लस फाइव वंस मेक्स, पहले आप थ्री लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, वन टू थ्री, फिर अगेन वन टू थ्री फोर फाइव लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल लाइंस कितनी है ये अब आपको यहाँ से स्टार्टिंग से काउंट करना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वी हैव टोटल एट लाइंस। फाइव के नीचे वाले कॉलम में ही, वंस कॉलम में ही आप एट मेंशन कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना है टेंस वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ कोई नंबर अभी हमने ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट पर आइए, फोर प्लस फाइव, फिंगर्स काउंटिंग कर लेते हैं या फिर लाइंस की हेल्प से आप एडिशन कर लेते हैं, जो आपको ईजी हो आप वैसे कर सकते हैं। पहले हम वन टू थ्री फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर हम फाइव लाइंस ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल लाइंस हो गई। अब फोर लाइंस में फाइव लाइंस को प्लस करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, आंसर इज नाइन। अगेन टू प्लस सिक्स, पहले टू लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, वन एंड टू, सिक्स लाइंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल लाइंस काउंट करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू प्लस सिक्स मेक्स एट। नेक्स्ट पर आते हैं, फाइव प्लस सिक्स, फाइव लाइंस ड्रॉ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव प्लस सिक्स कितने होते हैं, काउंट कर लीजिए टोटल लाइंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, फाइव प्लस सिक्स मेक्स इलेवन। अब इलेवन में कितने डिजिट्स हैं ये देखिए, वन एंड टू, तो एक डिजिट तो हमें वंस कॉलम में लिखनी है और नेक्स्ट वाले डिजिट हम कहाँ लिखेंगे, टी वाले कॉलम में, मीन्स टेंस कॉलम में। ओके, सो वन वन मेक्स इलेवन। नेक्स्ट सेवन प्लस नाइन, सेवन लाइन्स ड्रॉ करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, वी गॉट द आंसर सिक्सटीन। सिक्सटीन में भी टू डिजिट्स हैं, आपने सिक्स वंस कॉलम में लिखा और सिक्सटीन का वन टेंस कॉलम में लिखना है। ओके, एक ही बॉक्स में नहीं लिखना है। नेक्स्ट नाइन प्लस थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री, काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, नाइन प्लस थ्री मेक्स ट्वेल्व, टू इन वंस कॉलम वन इन टेंस कॉलम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट प्लस फोर, पहले लाइंस ड्रॉ करते हैं, एट लाइंस। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड फोर मोर लाइंस, वन टू थ्री एंड फोर, अब इन्हें काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व में कितनी डिजिट्स हैं, वन टू ट्वेल्व। आप टू लिखेंगे वंस कॉलम में, वन लिखेंगे टेंस कॉलम में, दिस इज योर आंसर। सो हमने लाइंस ड्रॉ करके, लाइंस की हेल्प लेकर नंबर्स को, सिंपल नंबर्स को एडिशन करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स। बुक पेज नंबर 12,
बुक पेज नंबर 12. सॉल्व द फॉलोइंग, हेडिंग है आपकी एडिशन में सॉल्व द फॉलोइंग. प्रॉब्लम नंबर वन है, अपनी बुक में देखिए आप. प्रॉब्लम नंबर वन, पेज नंबर 12 ओपन करके. कुणाल हैज 3 स्वीट्स. कुणाल के पास कितनी मिठाई है? 3. अंजू गिव्स हिम 6 स्वीट्स मोर. अंजू ने उसे 6 और दे दी. 3 उसके पास ऑलरेडी हैं, अंजू ने उसे 6 और दे दी. हाउ मैनी स्वीट्स डज कुणाल हैव नाउ. अब कुणाल के पास टोटल कितनी स्वीट्स हैं? ओके, आप क्या लिखोगे प्रॉब्लम में? आपकी बुक में ऑलरेडी प्रॉब्लम लिखी हुई है. ओके, आप उसका सॉल्यूशन बॉक्स है सामने, उस सॉल्यूशन बॉक्स में आप नंबर्स को ऐड कर देंगे. कुणाल हैज 3 स्वीट्स. अपनी बुक में एक बार केयरफुली देख लीजिए, कुणाल के पास कितनी है? 3 स्वीट्स हैं. और उसने क्या किया? 6 उसे अंजू ने और दे दी हैं, तो उन्हें ऐड करना है. ये एक आंसर बॉक्स है इधर बना हुआ, इस आंसर बॉक्स में आपको आंसर लिखना है. आंसर बॉक्स मैंने ये बना दिया है आपका. तो 3 स्वीट्स प्लस 6 स्वीट्स, 3 प्लस 6, लाइंस ड्रॉ कर लीजिए. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 प्लस 6 मेक्स 9. 9 क्या आ गई? 9 स्वीट्स. प्रॉब्लम नंबर 2 नेक्स्ट लाइन में. देयर आर 4 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज इन अ बास्केट. एक बास्केट बनी है. ओके, 3 एप्पल्स एंड 4 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज. हाउ मैनी फ्रूट्स इन ऑल आर देयर इन द बास्केट. आंसर बॉक्स बना लेते हैं. नाउ राइट डाउन 4 एप्पल्स, 3 मैंगोज प्लस टोटल फ्रूट्स बताने हैं आपको. हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल? 4 plus 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्रूट्स. नेक्स्ट पर आते हैं. प्रॉब्लम नंबर 3. रेनू हैड 7 पेंसिल्स, शी बॉट 5 मोर पेंसिल्स. रेनू के पास 7 पेंसिल्स थी ऑलरेडी, शी बॉट 5 मोर, उसने 5 और खरीद ली हैं. ठीक है, तो 7 तो पहले से थी, 7 में 5 और आ गई हैं, तो 7 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? ये आप ऐड करके देखिए, ये आपका आंसर बॉक्स है. बुक में भी आंसर बॉक्स बना हुआ है. 7 पेंसिल्स थी, उसमें रेनू ने 5 और खरीदी हैं. टोटल पेंसिल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. 7 प्लस 5 फिंगर काउंट कर लीजिए लाइंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 and 2 12 pencils. ओके, प्रॉब्लम नंबर 4. देयर आर 9 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास. एक क्लास है, उसमें 9 बॉयज हैं एंड 8 गर्ल्स हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. तो पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स मीन्स टोटल, गर्ल्स एंड बॉयज़ को टोटल करके बताना है कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं. उनको टोटल करके आपको ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं. तो टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? गर्ल्स एंड बॉयज़ का एडिशन कर दोगे. आप लिखेंगे आंसर बॉक्स में 9 बॉयज प्लस 8 गर्ल्स. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, 9 के सामने 9 एंड 8 के सामने 8। अब आप ऐड कर लीजिए सारी लाइंस को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 17 में आप लिखेंगे 7 वंस कॉलम में और 1 हियर। 17 फाइंड क्या किया हमने, स्टूडेंट्स 17 स्टूडेंट्स। ये आपका बुक पेज नंबर 12 था। हमने इसमें एडिशन, सिंपल एडिशन किया है, ओके और हमने सिंपल एडिशन वाली ही वर्ड प्रॉब्लम्स आज क्लियर की हैं, जिसमें प्रॉब्लम आपकी बुक में लिखी हुई है ऑलरेडी। ये आंसर बॉक्स है, आंसर बॉक्स में हमने प्रॉब्लम 1, 2, 3 and 4 की हैं, ओके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेज नंबर 13 पे 2 डिजिट का एडिशन बताऊंगी कि 2 डिजिट यानी वंस और टेंस दोनों बॉक्सेस में अगर नंबर लिखे हों तो आप कैसे ऐड करेंगे, ओके और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। सो आज की क्लास में हम यहीं ओवर करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स। आप इसे अच्छे से अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके वीडियो को केयरफुली देखें और अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू एंड एंजॉय योर क्लास।